हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ 2021। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में जो है आपके 21 के करंट अफेयर्स भी कवर हो गए जो कि रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। और ऊपर से जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स है ये जो है ये आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर इस अवार्ड्स एंड ऑनर्स से जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा और जो है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन जो है आर एक ही वीडियो में शेयर की जाए तो वीडियो बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इसलिए इस वीडियो को जो है दो पार्ट्स में मैंने ब्रेक डाउन किया है। तो ये है पार्ट वन, तो इसमें हम आधे जो है क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन होनर्ड विद दादा साहिब पालके अवार्ड 2021। जी हाँ, जो दादा साहिब पालके अवार्ड है वो किसको दिया गया है 2021 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी रजनीकांत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, विच कंट्रीज टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप 2021। जी हाँ, जो 2021 में ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किस कंट्री ने जीता है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था UAE में, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये वर्ल्ड कप जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021। जी हाँ, जो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 है वो किस ऑटोमोबाइल कंपनी को मिला है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और TVS मोटर जो है उनको इस साल का जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड वो मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फिफ्थ टाइम इन अ रो। जी हाँ, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है उस रिपोर्ट में जी किस सिटी को डिक्लेयर किया गया है क्लीनेस्ट सिटी, और इस सिटी को जो है फिफ्थ टाइम डिक्लेयर किया गया है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स वायर ऑनर्ड विथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। जी हाँ, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 है वो कितने प्लेयर्स को मिला है। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन ए, यानी 12 प्लेयर्स। आपको बता दें ये जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये जो इसको 2020 तक जो कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इसका नाम जो है वो इसी साल चेंज हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, जी हाँ, फिलहाल हम इसी को देखेंगे कि ये जो 12 पर्सनालिटीज़ है जिनको ये मिला है, तो यहाँ पे जो है उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लिखेरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, सुनील छत्री और मनप्रीत सिंह। ये 12 पर्सनालिटीज़ है जिनको ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वन द IPL 2021 टाइटल। जी हाँ, जो IPL 2021 टाइटल है वो किस कंट्री ने, जिस किस टीम ने जीता। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द अर्थ शॉट प्राइज और इको ऑस्कर्स अवार्ड 2021। जी हाँ, जो अर्थ शॉट प्राइज होता है या आप कहे इको ऑस्कर्स अवार्ड 2021 वो किसको मिला है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी विद्युत मोहन को ये अवार्ड जो है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2021। मिस अर्थ इंडिया का अवार्ड किसने जीता है 2021 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी रश्मि मधुरी। जी हाँ, रश्मि माधुरी जो है उनको जो अवार्ड है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020। जी हाँ, 2021 का जो स्टेट मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर है वो किसको दिया गया। तो इसका आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, यानी वेराइल
थंगा, जी हाँ बिरैल थंगा जो है उनको जो है ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021। जी हाँ जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 है वो किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। जी हाँ टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है 2020 का वो किसको दिया गया है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी हाँ जो सर्वेश धड़वाल है और अमित बिस्त है इन दोनों को जो है ये अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी यानी बोथ सूटेबल। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ब्लैक स्वान अवार्ड 2021 फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ इनमें से किसको मिला है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड ब्लैक स्वान 2021, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी यानी रीनू गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है विच मेट्रो रेल हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फिकेशन सीट्स अवार्ड। जी हाँ मेट्रो रेल जो है इंडिया में उनमें से किस मेट्रो रेल को दिया गया है बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फिकेशन सीट्स अवार्ड, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन है हु वन टाइटल ऑफ फर्स्ट मिस इंडिया 2021। जी हाँ फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का टाइटल किसने जीता, क्वेश्चन नंबर 14, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है वो है पर्ल अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन है हु हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ बेस्ट एक्टर इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। जी हाँ 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो दिया गया, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा मनोज बाजपेयी एंड धनुष यानी जो बोथ ए एंड बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जी हाँ जो सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 है वो किसको दिया गया, तो इसका आंसर जो है आपको बता दें जो मार्टिन स्कोरसीसे है और स्टीवन ज़ेबो है इन दोनों को जो है ये अवार्ड मिला था, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी यानी बोथ सूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड पद्म विभूषण बाय द प्रेसिडेंट इन 2021। जी हाँ पद्म विभूषण कितने जो पर्सनालिटीज हैं उनको दिया गया 2021 में, तो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए यानी 7 पीपल, और अगर हम इन 7 पीपल की बात करें तो एक है शिंजो एब है, एसपी बाला सुब्रमण्यम है, सुदर्शन साहू है, नरेंद्र सिंह कपानी है, बिली मोनापा हैगडे है, मौलाना वहीदुद्दीन खान है, और जो 7th पर्सनालिटी है वो है बीबी लाल। तो ये थे 7 पर्सनालिटी जिनको पद्म विभूषण मिला है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पीटा इंडिया अवार्ड्स फॉर मेकिंग पाइन एप्पल लेदर। जी हाँ पाइन एप्पल लेदर बनाने के लिए किसको मिला पीटा इंडिया अवार्ड्स 2021 में, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी यानी जेम्स पी के संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन है विच 3 साइंटिस्ट्स हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2021। जी हाँ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो 2021 में है वो किन 3 साइंटिस्ट को जो है दिया गया, तो आपको बता दें जो डेविड कार्ड है, जोसो डी एन ग्रिस्ट है और ग्योडो इम्बेन्स है, इन तीनों को जो है इस साल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो क्वेश्चन है Who has been awarded the Nelson Mandela Nobel Peace Prize 2021? Nelson Mandela Nobel Peace Prize 2021 किसको दिया गया, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी यानी अजय शर्मा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been awarded the Booker Prize 2021? Booker Prize 2021 में किसको मिला, आंसर है ऑप्शन बी यानी डेमोन गैलगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has won the JCB Award 2021 in the field of literature? जी हाँ जो JCB Award 2021 है लिटरेचर में वो किसने जीता, तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी एम मुकुंदन, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन है Who has been awarded the Behler
टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 फॉर टर्टल कंजर्वेशन। यहाँ जो टर्टल कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है बहरल टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021, वो इस साल किसको मिला 2021 में? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। जहाँ रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2021 में वो किसको दिया गया? ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है एशिया में दिया जाता है, तो आपको बता दें जो डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंसी, वॉचडॉक रोबोटो बेलवन, ये सारे जो है इनको इस ये जो है अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन एफ, यानी ऑल सूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस AANS अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। जी हाँ, न्यूरो सर्जरी के फील्ड में अवार्ड एक दिया जाता है AANS अवार्ड। तो कौन सा पहला इंडियन बना जिसने जो ये अवार्ड जो है वो जीता है? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। जी हाँ, जो नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 दिया जाता है वो किसको दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवार्डेड द कर्नाटका रत्न पोस्टह्यूमसली। जी हाँ, कर्नाटका रत्न जो एक इम्पोर्टेंट अवार्ड दिया जाता है कर्नाटका स्टेट में, वो किसको दिया गया पोस्टह्यूमसली, यानी आफ्टर डेथ ऑफ डेड पर्सनालिटी जिसको ये मिला है? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी पुनीत राजकुमार, जो कि एक एक्टर थे कर्नाटका के, तो उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु विल बी ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्डेड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। जी हाँ, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 हुआ था इंडिया में, वहाँ पे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो इसका आंसर जो है आपको बता दें, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी है, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी बोथ सूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन। जी हाँ, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बना आउट ऑफ दीज फोर पर्सनालिटीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी पूजा बदलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू रिसीव द BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। जी हाँ, इंडिया का कौन सा पहला बैडमिंटन प्लेयर बना जिसको मिलेगा BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल यानी 2021 में? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रकाश पाडुकोन। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021। यहाँ जो कि एक अवार्ड है किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021, वो किसको दिया गया? तो इसका आंसर है वो है विहान एंड नव अग्रवाल, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी बोथ सूटेबल। नेक्स्ट है, हु वन द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021। जी हाँ, जर्मन बुक ट्रेड 2021 में पीस प्राइज किसको मिला? तो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी सिट्सिया डेंगेरमगा, यानी सिट्सिया डेंगेरमबा। थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की, तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर 94th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2021। जी हाँ, इंडिया की कौन सी ऑफिशियल फिल्म है जिसको जो है एंट्री मिली है ऑस्कर 2022 के लिए? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कोज हांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड, यहाँ पे ऑनर्ड है, टू बी ऑनर्ड विद जोसेफ ए कुशमन अवार्ड 2022। जी हाँ, कौन सा ऐसा इंडियन बना जिसको ऑनर किया जाएगा जोसेफ ए कुशमन अवार्ड 2021 के लिए? तो इस 2022 में, तो इसका जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का, वो है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर राजीव निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अर्थ गार्डियन अवार्ड 2021 इंस्टीट्यूटेड बाई नेट
नेट वेस्ट ग्रुप, यहाँ जो अर्थ गार्डियन अवार्ड 2021 दिया जाता है जिसको नेट वेस्ट ग्रुप जो है उनने बनाया है, तो वो किसको दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 35 का, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। यह कौन सी पहली इंडिया की महिला है जिसने जीता है टाइटल मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी डॉक्टर अक्षता प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन अवार्डेड द सखारोव प्राइज 2021 ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो एक प्राइज़ दिया जाता है सखारोव प्राइज, तो 2021 में ये प्राइज़ किसको दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी एलेक्सी नेवेलनी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच मेडल हैज़ बीन वन बाय द इंडियन आर्मी इन द कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2021 हेल्ड इन ब्रिक कौन यूके। जी हाँ, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2021 जो कि ब्रिकोन यूके में हुआ था, वहाँ पे इंडियन आर्मी को कौन सा मेडल मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन है विच कंट्रीज टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2021। जी हाँ, किस कंट्री की टीम ने जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2021 का अवार्ड? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021। जी हाँ, जो कि चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर या आप कहेंगे ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 है वो किस इंडिया ने जीता है? आपको बता दिए जो है फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी यानी आराध्या अरविंद शंकर, यह है इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 40 क्वेश्चंस, इसके अगले वीडियो में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।